Fine. So, I hope basics of the previous lectures are clear to you. So, we are starting with today's lecture that is on maximum click. So, understand this problem very carefully. Do anyone from you have heard about a maximum click problem? किसी को आइडिया है क्या होती है क्लिक प्रॉब्लम? नाउ सी, मैम क्लिक प्रॉब्लम में किसी क्या होता है? हाँ जी, बटन्स वाला क्लिक मैम वो नो नो नो, ग्राफ क्लिक प्रॉब्लम. नाउ सी, इसमें क्या होता है क्लिक प्रॉब्लम में, द मेन आइडिया इज टू फाइंड आउट कि अगर ये कोई ग्राफ है, इज दिस फुली कनेक्टेड ग्राफ? ठीक है, कंप्लीट ग्राफ, कनेक्टेड ग्राफ. तो अगर मैं फर्स्ट ग्राफ पे देखूं, इज इट कनेक्टेड ग्राफ? यू कैन यस कनेक्ट, फर्स्ट इज कनेक्टेड टू थर्ड ऑल्सो, फर्स्ट इज कनेक्टेड टू सेकेंड ऑल्सो, फर्स्ट इज कनेक्टेड टू फोर्थ ऑल्सो. फाइन. So second node is connected to 1, 3 and 4. Similarly, third is connected to 1, 2 and 4 and so on. So इस केस में जो ये वाला ग्राफ है, दिस इज फुली कनेक्टेड ग्राफ. नाउ अगर मैं इस ग्राफ में पर्टिकुलर, सपोज यहाँ पे एक नोड ऐड कर दू, नोड नंबर 5. ठीक है, और अगर नोड नंबर 5 में आपका 4 एंड 5 कनेक्टेड हो, 3 एंड 4 कनेक्टेड हो, तो उस केस में सिर्फ एक नोड अटैच करके और यहाँ पे सिर्फ टू लाइंस लगा के कैन यू कॉल इट कनेक्टेड ग्राफ? जो उसका पूरा जो ग्राफ होगा वो कनेक्टेड होगा या नहीं होगा? इट विल नॉट बी कनेक्टेड. वो कंप्लीट ग्राफ का जो ये वाला पार्ट है, ये कनेक्टेड है. तो ये क्या हो गया, एक पूरे ग्राफ का एक सब ग्राफ हो गया जो कनेक्टेड है. तो क्लिक क्लिक क्या होता है, एक कंप्लीट ग्राफ. उस कंप्लीट ग्राफ में कुछ ऐसा पार्ट जो फुली कनेक्टेड हो, मींस एक ग्राफ का सब ग्राफ. सो वी से सब ग्राफ ऑफ एनी ग्राफ दैट इज कंप्लीट सब ग्राफ इज नोन एज क्लिक. उसको आप बोलते हो क्लिक. ठीक है, और मैक्सिमम क्लिक क्या होगा? मैक्सिमम क्लिक मींस जितने नंबर ऑफ नोड्स, लाइक इन दिस केस देयर आर टोटल 4 नोड्स, तो ये इसका मैक्सिमम क्लिक क्या होगा? इट विल बी 4. अगर मेरे पास ग्राफ में टोटल 7 नोड्स हैं, उन 7 नोड्स में से 4 नोड्स ऐसे हैं जो कंप्लीट सब ग्राफ बनाते हैं, फुली कनेक्टेड ग्राफ बनाते हैं, तो मैक्सिमम क्लिक साइज क्या हो जाएगा? 4. दैट इज नंबर ऑफ नोड्स दैट आर फुली कनेक्टेड विद ईच अदर. और क्लिक क्या होता है? सिंपली क्लिक इज सिंपली अ कंप्लीट सब ग्राफ. एक पूरे ग्राफ का कोई भी ऐसा पार्ट, कोई भी ऐसा सब ग्राफ जो फुली कनेक्टेड होगा, उसको हम बोलते हैं क्लिक ग्राफ. ठीक है, सिमिलरली अगर ये वाला डायग्राम है, इसमें मैं यहाँ पे एक नोड ऐड कर दूं और यहाँ पे एक नोड ऐड कर दूं, सो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, वो जो ग्राफ होगा वो अगेन कनेक्टेड नहीं होगा, बट ये वाला जो पार्ट होगा उस ग्राफ का, दिस इज अ कंप्लीट कनेक्टेड ग्राफ. तो ये क्या हो गया? क्लिक. और इसका मैक्सिमम क्लिक क्या हो जाएगा? 3 इन दिस केस. एंड इफ यू लुक एट दिस ग्राफ, इस ग्राफ में क्या है, इट मे बी अ सब ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ, और इस केस में मैक्सिमम क्लिक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. सो मैक्सिमम क्लिक साइज प्रॉब्लम, और सी यू कैन कॉल इट सिंपली अ मैक्स क्लिक. इट इज टू कंप्यूट अ गिवन अ ग्राफ द नंबर ऑफ नोड्स इन इट्स लार्जेस्ट कंप्लीट सब ग्राफ. सो इन दिस केस वी से गेट दैट इन द लास्ट प्रॉब्लम वी हैव कंसिडर्ड अ ग्राफ प्रॉब्लम. सो इन दिस केस वी आर कंसिडरिंग अ क्लिक. So what can, how can we call you can define a click? We can say a click is a name for a complete graph. Click क्या है? एक synonym हो गया. एक चीज आप बोल सकते हो कि एक complete graph हो गया या complete sub graph हो गया, उसका synonym क्या है? उसका synonym होता है click, जिसमें सारे नोड आपस में कनेक्टेड होते हैं, उसको हम बोलते हैं click. So a click is another name फॉर अ कंप्लीट ग्राफ. द मैक्सिमम क्लिक साइज प्रॉब्लम क्या होगी, और सिंपली मैक्सिमम क्लिक क्या होगी, इज इट इज टू कंप्यूट अ गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ नोड्स इन इट्स लार्जेस्ट कंप्लीट सब ग्राफ. टोटल इन दिस केस 4, इन दिस केस इट इज 3, इन दिस केस इट इज सिंपली 2. नाउ इन दिस केस वी विल प्रूव दैट द मैक्सिमम क्लिक इज एनपी हार्ड प्रॉब्लम, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग मैक्सिमम क्लिक एज एनपी हार्ड एग्जाम्पल. सो नाउ वी विल प्रूव कि दिस मैक्सिमम क्लिक इज एनपी हार्ड प्रॉब्लम, बट दिस इज नॉट एनपी कंप्लीट बिकॉज दिस इज नॉट अ सिंपली येस और नो टाइप ऑफ प्रॉब्लम. ये येस और नो टाइप की प्रॉब्लम नहीं है. अगर मैं आपको ये बोलूं कि इज दिस अ क्लिक और नॉट, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, अगर ये कॉम्प्लेक्स ग्राफ आ जाए कि इसमें किसमें
कितना कनेक्ट होगा. नाउ इफ यू हैव अ लुक एट दिस ग्राफ, इस ग्राफ में हाउ मेनी नंबर ऑफ नोड्स आर देयर, वी आर हैविंग 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नोड्स आर देयर, बट आउट ऑफ दीज 8 नोड्स जो येलो कलर से हाईलाइटेड है, दिस इज अ कंप्लीट सब ग्राफ जिसमें सारे नोड एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं. तो अगर 4 नोड्स का एक सब ग्राफ मिलता है, दैट इज अ कंप्लीट सब ग्राफ, उसको हम बोलेंगे अ क्लिक. और इसका साइज क्या है, नंबर ऑफ नोड्स, दैट इज 4 इन दिस केस. सो हियर आवर टारगेट इज टू प्रूव दैट मैक्सिमम क्लिक इज अ एनपी हार्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम. एंड इफ यू वॉन्ट टू प्रूव दिस, वी हैव टू यूज द रिडक्शन स्ट्रेटेजी फ्रॉम द 3 सेट. जहां पे हमने 3 सेट को कल बाइंड अप किया था, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे. 3 सेट यहाँ तक आप कर चुकी हो, वी विल कंटिन्यू विद सेम प्रॉब्लम टू प्रूव दिस मैक्सिमम क्लिक एज एनपी हार्ड प्रॉब्लम. सो हियर वी विल डिस्क्राइब अ रिडक्शन एल्गोरिदम दैट विल ट्रांसफॉर्म अ 3CNF फॉर्मूला इनटू अ ग्राफ दैट हैज अ क्लिक ऑफ अ सर्टेन साइज इफ एंड ओनली इफ द फॉर्मूला इज सेटिस्फाइएबल. आवर मेन टारगेट इज टू प्रूव इट्स सेटिस्फाइबिलिटी. So in this case we have got a graph, and this graph has one node for each instance of each literal in the formula, and the nodes are connected by the edge. All the nodes are connected by the edges. Aur inke liye condition kya hai ki kab connected honge? If correspond to the literals in the different clauses, jo isme jo is edge ko connect kar rahi hai, jo uske corresponding literals hain, वो क्या होंगे, वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, वो डिफरेंट क्लॉज के हैं, मीन सेम क्लॉज के नहीं. इफ आई से दिस ए, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, तो ये दो क्लॉज अगर आप इनको कब कंसिडर करोगे, अगर ये दो लिटरल्स दो अलग अलग क्लॉजेस से आएंगे, सेम क्लॉज से नहीं आएंगे. एंड सेकंड कंडीशन क्या होती है, दोज लिटरल्स डू नॉट कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर, वो कभी भी एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेंगे. मीन्स अगर एक ए है तो दूसरा निगेशन ए नहीं होगा, बिकॉज ए एंड निगेशन ए क्या हो गए, कॉन्ट्रडिक्टरी हो गए. तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, जब भी आप लिटरल्स डिजाइन करोगे देयर शुड बी नो कॉन्ट्रडिक्शन इन दैट केस. सो इन पर्टिकुलर वी से ऑल द नोड्स दैट कम फ्रॉम द सेम लिटरल बट फ्रॉम डिफरेंट क्लॉजेस आर ज्वाइंड बाय एजेस. ठीक है, सो इन दिस केस दिस आर द टू कंडीशन दैट वी वर डिस्कसिंग. हियर वी आर सेइंग द ग्राफ हैज वन नोड for each instance of each literal in the formula, and whenever we are talking about formula, we are talking about 3-set formula that we have got from the example that we did in the last lecture. So in the formula, 2 nodes are connected by an edge if they correspond to the literals in different clauses, and second condition says those literals do not contradict with each other. So in particular we can say all the nodes that come from the same literal in different clauses are joined by edges. For example, this is a formula, we say A or B or C. Now in this case you can say A, B and C, teen different clauses se aaye, teeno literals aur koi bhi ispe contradictory bhi nahi hai. If we say B, C, D, yahan pe koi contradiction nahi hai kyunki ek agar B hai to B ki negation nahi hai, agar C ki negation hai to C without negation nahi hai, and vice versa. ठीक है, सिमिलरली दिस, नाउ दिस इज 3 सेट क्योंकि हर एक में तीन तीन लिटरल्स है. दिस इज क्लॉज 1, दिस वन इज क्लॉज 2, दिस वन इज क्लॉज 3 एंड दिस वन इज क्लॉज 4. वी आर हैविंग 4 क्लॉजेस, ईच क्लॉज इज हैविंग 3 लिटरल्स एंड दे आर सेटिस्फाइंग द क्राइटेरिया, दैट इज देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन एंड दे आर सेटिस्फाइंग द फर्स्ट क्राइटेरिया विच सेज के डिफरेंट डिफरेंट क्लॉजेस आ रहे हैं. नाउ सी, ए अगर यहाँ पे है तो किसी और क्लॉज में ए की निगेशन है, अगर यहाँ पे बी है तो बी की निगेशन किसी डिफरेंट क्लॉज में है, अगर सी है तो सी की निगेशन किसी डिफरेंट क्लॉज में है. तो उसी के बेसिस पे ये हमारे पास क्या है, एजेस हैं. सो इन दिस केस वी कैन ट्रांसफॉर्म द ग्राफ इनटू दिस वे. सो दिस इज अ ग्राफ ड्राइव फ्रॉम द 3CNF फॉर्मूला एंड हैविंग अ क्लिक ऑफ 4 1 2 3 एंड 4. वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल 4 वर्टिसेस, और इन 4 वर्टिसेस के कारण से हमारे पास क्लिक साइज क्या है, 4. नाउ इन दिस केस हैव वी सपोज दैट द ओरिजिनल फॉर्मूला हैड के क्लॉजेस. जो हमारे पास ओरिजिनल फॉर्मूला है, वी आर सेइंग उसमें के क्लॉजेस थे. इस केस में कितने क्लॉजेस है, 1 2 3 एंड 4 क्लॉजेस.
बट वी से कि हमारे पास टोटल कितने क्लॉजेस हैं, वी आर हैविंग के क्लॉजेस, सो देन वी कैन क्लेम दैट द फॉर्मूला इज सेटिस्फाइएबल इफ एंड ओनली इफ द ग्राफ हैज अ क्लिक ऑफ साइज के. अगर मेरे पास ये फोर क्लिक है, सी केयरफुली, दिस इज अ क्लिक ऑफ साइज फोर, तो कितने क्लॉजेस थे, 1, 2, 3, 4. फ्रॉम दिस वी कैन प्रूव कि अगर मेरे पास साइज क्लिक का साइज फोर है, मीन्स टोटल फोर वर्टिसेस है, तो मेरे पास टोटल फॉर्मूला में क्लॉजेस कितने बनेंगे, फॉर्मूला में क्लॉजेस भी फोर बनेंगे, बट वी आर यूजिंग थ्री सेट, तो हर एक क्लॉज के अंदर टोटल थ्री लिटरल्स विल बी देयर. नाउ हैव अ लुक एट द बेसिक कंडीशंस फॉर दिस. इसमें के क्लिक क्या होती है, फॉर के क्लिक इट इज सेटिस्फाइंग असाइनमेंट. इट सेज इफ द ग्राफ हैज अ क्लिक ऑफ के वर्टिसेस, then each vertex must come from a different clause. This was the rule number one. So to get the satisfying assignment, we declare that each literal in the click is true. हमें क्या प्रूव करना है कि हर एक literal एक true literal है, that is having value one. Since we only connect to non-contradictory literal, that is the condition number two. जो यहाँ पे conditions है ना, first condition says कि जितने भी लिटरल्स है दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट क्लॉजेस. सेकंड कंडीशन क्या है, वो कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होने चाहिए. वही चीज यहाँ पे के क्लिक में है, सेटिस्फाइंग असाइनमेंट में. इट सेज इफ द ग्राफ हैज क्लिक ऑफ के वर्टिसेस दैट ईच वर्टेक्स मस्ट कम फ्रॉम डिफरेंट क्लॉज. ये आ गया आपका फर्स्ट रूल. अब जो आपका सेकेंड रूल है नॉन कॉन्ट्रडिक्शन का, वो आपका यहाँ पे आ गया. इट सेज सिंस वी ओनली कनेक्ट नॉन कॉन्ट्रडिक्टरी लिटरल्स विद एजेस, so this declaration assigns a consistent value to several variables. There may be variables that have no literals in the click. We can set these to any values as we like. Now uske baad mein satisfying assignment kya ho jayegi k click ki, it says vice versa of the first one. If we have a satisfying assignment, then we can choose one literal in each clause that is true. Those literals will form a clause of a click in the graph. So here we can say the reduction is correct in this case. How can we prove this reduction? Because the reduction that we have derived is of 3CNF, that is 3 literals in each and every cross formula to a graph. So it can be done in polynomial time. So maximum click is a NP-hard problem. Aur iski working kaise hui hai? Firstly, hamare paas ek 3CNF ka formula tha k clauses ke saath. उसपे बिग गो एन कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हमने उसका एक ग्राफ बनाया विद 3K नोड्स. अब उस 3K नोड्स के लिए आपने क्लिक आइडेंटिफाई किया, उस क्लिक के लिए आपने क्या आइडेंटिफाई किया, मैक्सिमम क्लिक साइज क्या है, और सिंपली वन यूनिट टाइम में यू गॉट द आंसर इधर ट्रू और फॉल्स इन दिस केस. सो इन दिस केस वी कैन प्रूव दिस मैक्सिमम क्लिक प्रॉब्लम with the help of your three set problem. After this we are having the independent set problem. So can anyone tell me about the independent set, having any idea what do you mean by an independent set? Kya hota hai independent set? Jo kisi pe dependent na kare koi aur set. Haan ji, any other definition? इंडिपेंडेंट सेट में यू से अगर मेरे पास कोई ग्राफ है उसमें कुछ ऐसे वर्टिसेस हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं है. एक कंप्लीट ग्राफ है उसमें लेटर्स से 1, 2, 3 या ABC कोई भी तीन ऐसे वर्ड, 2, 3 या 5 एन नंबर ऑफ वर्टिसेस ऐसे हैं जो जिनमें कोई एज ही नहीं है. अगर वो एज नहीं है तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं होंगे, तो वो हमारे कौन से बन जाएंगे, दे विल बी नोन एज इंडिपेंडेंट सेट. मीन्स सेट ऑफ वर्टिसेस दैट आर नॉट कनेक्टेड थ्रू एज इज नोन एज इंडिपेंडेंट सेट. सो वी कॉल एन इंडिपेंडेंट सेट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस इन अ ग्राफ विद नो एजेस बिटवीन देम. द इंडिपेंडेंट सेट प्रॉब्लम क्या है, अब इट इज टू फाइंड द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट इन द गिवन ग्राफ. अब आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, कितने आपके ग्राफ में कितने ऐसे सेट्स हैं, मीन्स कितने ऐसे वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस के सेट्स है जो कनेक्टेड ही नहीं है, जिनमें कोई भी एज नहीं है. तो ये कहाँ से ड्राइव हो सकती है, कहना इसे कि ये इंडिपेंडेंट सेट है, ये क्लिक से ड्राइव हो सकती है. क्लिक में क्या था, कंप्लीट ग्राफ, सारे ही एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट क्या हो जाएगा मेरे पास, इंडिपेंडेंट सेट. इंडिपेंडेंट सेट क्या कहते हैं, कि कनेक्टेड नहीं है.
क्लिक क्या कहता है, सारे वर्टिसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, कंप्लीट सब ग्राफ है। इंडिपेंडेंट सेट क्या कहता है, जो वर्टिसेस है उनमें एजेस नहीं है, तो वो क्या हो गया, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू योर क्लिक इन दैट केस। तो इस केस में वी कैन ड्राइव इंडिपेंडेंट सेट फ्रॉम क्लिक, जो क्लिक नहीं है वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, हमारे पास इंडिपेंडेंट सेट में चला जाएगा। सो इन दिस केस देयर इज एन वेरी इजी प्रूफ दैट द इंडिपेंडेंट सेट इज एनपी हार्ड। वी कैन यूज द रिडक्शन फ्रॉम द क्लिक प्रॉब्लम। एनी ग्राफ अगर हमारे पास जी है, उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा जी बार, और यू कैन कॉल इट निगेशन ऑफ जी विद द सेम वर्टिसेस बट विद एग्जैक्टली ऑपोजिट सेट ऑफ द एजेस इन इज एन एज ऑफ जी बार इफ एंड ओनली इफ देयर इट इज नॉट एज ऑफ द पर्टिकुलर ग्राफ, अ सेट ऑफ वर्टिसेस फ्रॉम अ क्लिक इन जी इफ एंड ओनली इफ द सेम वर्टिसेस आर इंडिपेंडेंट सेट इन जी बार। तो उसके लिए हम क्या कंप्यूट कर सकते हैं कि लार्जेस्ट क्लिक इन अ ग्राफ सिंपली बाय कंप्यूटिंग द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ। सो व्हाट वी विल गेट फ्रॉम दैट, वी विल गेट इंडिपेंडेंट सेट। सो इट इज वेरी इजी टू सॉल्व। सो इन दिस केस अगर हमारे पास जो क्लिक की फंक्शनलिटी है उसी की एग्जैक्टली ऑपोजिट हमारे पास आ जाएगी इंडिपेंडेंट सेट की। हमारे पास कोई ग्राफ है, ठीक है, उसके लीनियर टाइम में हमें क्या मिल गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ मिल गया, ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट आ गया जी निगेशन, उसके बाद और यू कैन कॉल इट जी बार, उस वहां से हमने ड्राइव कर लिया इंडिपेंडेंट सेट। इंडिपेंडेंट सेट में से वी आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट, उस पे आपने क्या किया, लार्जेस्ट क्लिक आपने वहां से फाइंड कर लिया। सो फ्रॉम दैट यू गेट इंडिपेंडेंट सेट। सो इन दिस केस यू कैन गिव अ इजी प्रूफ कि ये हमारी जो एनपी हार्ड की प्रॉब्लम है, बट ये जस्ट हमें लगा कि लॉजिक इज इजी बट इट इज नॉट दैट इजी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। व्हाट इज द रीजन, ग्राफ की मेन एप्लीकेशन कहाँ पे होती है, स्पेशल डेटाबेसेस में, जिसमें मल्टीपल पॉइंट्स को, रीजंस को, स्पेस को, सोर्सेस को, सिटीज को आप लिंक करते हो एक दूसरे से, ठीक है। ग्राफ के एप्लीकेशन मेन एप्लीकेशन क्या है, आपकी जीपीएस सर्विसेज में, ठीक है। अगर आप रोड मैप डिजाइन कर रहे हो, अगर आपने कोई भी नेटवर्किंग करनी है, तो कहाँ वहां पे यूज क्या करते हो, आप ग्राफ को यूज करते हो। और देन यू कैन सी इफ यू टॉक अबाउट द होल वर्ल्ड सिनेरियो, जिसमें ओशियंस भी है, उसमें कुछ स्पेस होगी, कुछ सोर्सेज होंगे, सिंक हो गया, उसमें बहुत कुछ ऐसा आएगा, कुछ होल्स भी होंगे ओशियन में, वो सारी चीजों को अगर आप कंसिडर करोगे तो नेटवर्क के लिए ग्राफ बनाना इज अ क्वाइट चैलेंजिंग टास्क। तो अगर आप उसमें क्लिक आइडेंटिफाई करते हो कि अगर मैं ये बोलूँ क्लिक की एप्लीकेशन कहाँ पे होगी, कैन एनीवन टेल मी कि क्लिक कहाँ पे अप्लाई करोगे इसमें, जो मैंने आपको अभी एप्लीकेशन बताई है इसमें। हाँ जी, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो क्लिक को? यस संजय, एनी स्टूडेंट फ्रॉम आईटी? से यस और नो? एनी स्टूडेंट फ्रॉम सीएससी फोर्थ ए? नाउ एनी स्टूडेंट ऑफ सीएससी फ्रॉम सीएससी फोर्थ बी? एनी स्टूडेंट हु इज वॉलंटियर? दिस इज द इजी क्वेश्चन, दिस इज नॉट द डिफिकल्ट क्वेश्चन, दिस मच इज नॉट दैट मच चैलेंजिंग क्वेश्चन। आई हैव सिंपली आस्क कि क्लिक की एप्लीकेशन कहाँ पे है, क्लिक की एप्लीकेशन कहाँ पे होगी, अगर आपने आइडेंटिफाई करना है कि एक जगह से दूसरी जगह पर आपके लिए जाने के लिए कौन सा पाथ फॉलो करोगे, तो अगर वो कनेक्टेड है, ठीक है, तो आप वहां से उस पाथ को पिक कर सकते हो, तो वो कनेक्टिविटी जो आप चेक करते हो। सो इन दैट केस वी कैन से कि जो आपकी ये कनेक्टिविटी या कनेक्टेड ग्राफ से क्लिक से मिलेगी आपको, सो इन दैट केस दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ क्लिक, और उसके वाइस वर्सा क्या आ गया हमारे पास, इंडिपेंडेंट सेट का। लास्ट बट नॉट लीस्ट द एप्लीकेशन ऑफ सॉरी एग्जांपल ऑफ एनपी हार्ड प्रॉब्लम इज वर्टेक्स कवर। आफ्टर दिस वन वी विल बी डूइंग वन मोर प्रॉब्लम ऑफ ग्राफ कलरिंग। सो इन केस ऑफ वर्टेक्स कवर फ्रॉम इंडिपेंडेंट सेट, बट वी कैन से वर्टेक्स कवर क्या होता है, वर्टेक्स कवर ऑफ अ ग्राफ
इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस दैट टचेस एवरी एज इन द ग्राफ. सो द वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम इज टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वर्टेक्स कवर इन अ गिवन ग्राफ. And here we can say, we can give the proof that this is NP-hard and it is simple and it relies on just one fact that if I is an independent set in the graph G, V on E, then V oblique I is a vertex cover. Thus, if we want to find the largest independent set, we just need to know to find the vertices that are not in the smallest vertex cover. तो वर्टेक्स कवर में क्या आ गया कि सेट ऑफ वर्टेक्सेस जो किसी पर्टिकुलर एज को कवर करते हैं दैट दैट टचेस एवरी एज इन द ग्राफ दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम. देन वी हैव ग्राफ कलरिंग. सो इन केस ऑफ ग्राफ कलरिंग अ सी कलरिंग ऑफ अ ग्राफ इट इज बेसिकली अ मैप ऑफ ऑल द वर्टेसेस फ्रॉम 1 to C that assigns one of the C colors to each vertex. In this case of vertex graph coloring, we have to assign different color to different vertices. So this is quite NP-hard problem, quite challenging task. कि कौन से vertex को आपने कौन सा color देना है कि same color आपके पास repetition ना हो. So C coloring problem of a graph is a map that assigns one of the C colors to each vertex so that every vertex has two different colors at its endpoint. The graph coloring problem is to find the smallest possible number of colors in legal coloring. To show that this problem is NP-hard, it's enough to consider the special case of three colorable graph, means in which we will be assigning three colors. And we given a graph, we have to show whether it is having three coloring or not. So if we want to prove that the three colorable is NP-hard, we have to use a reduction from three set that we have discussed earlier. So given a 3CNF formula, we will produce a graph by using the technology that says, or methodology that says the graph consists of truth gadgets, one variable gadget for each of the variable in the formula and one clause gadget for each clause in the formula. And the truth gadget is just a triangle like this. This is a truth gadget that is just a triangle with three vertices having the values T, F and X, which is individually stands for true, T stands for true, F stands for false and X stands for any other value. So since these vertices are all connected, they must have different colors in three coloring. For the sake of convenience, we can name them as true, false and other. Thus we can say that a node is colored true. All we mean that it must be colored the same as that of the node T. So the variable gadget for a variable A is also a triangle. Now in this case, this will also be a triangle. Node A must be colored either true or false, and so node A must be colored either false or true. अगर आप A को true दे रहे हो, true color दे रहे हो, तो A bar को क्या आएगा? फॉल्स कलर आएगा. अगर ए को ट्रू फॉल्स कलर दे रहे हो तो ए बार का कलर क्या हो जाएगा? इट विल बी ट्रू कलर. सो दे शुड बी ऑपोजिट बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग निगेशन कॉम्प्लीमेंट्री वर्टिसेस इन दिस केस. सो हियर वी कैन से द वेरिएबल गैजेट फॉर अ वेरिएबल ए इज ऑल्सो अ ट्राइंगल ज्वाइनिंग टू न्यू नोड्स लेबल्ड एज ए एंड ए बार टू नोड एक्स इन द ट्रूथ गैजेट. नोड ए मस्ट बी colored either true or false, and the vice versa for A bar is applicable, and it must be colored either false or true respectively. So finally, each clause gadget will join three literal nodes to node T in the truth gadget using five new unlabeled nodes and 10 edges. You can see the figure in this case, which says if all the three literal nodes in the clause gadget are colored false, then the rightmost vertex in the gadget cannot have one of the three colors. Since the variable gadget force each literal node to be colored either true or false in any valid three coloring, at least one of the three literal nodes is colored as true. So here we need to emphasize that the final graph contains only one node T and only one node F.
only one node a bar and one each variable a and so on. So the proof of the connectness is just the brute force approach in this case. If the graph is three colorable, then we can extract a satisfying assignment from the three coloring. At least one of the three literal nodes in every clause gadget is colored true. So conversely, if the formula is satisfiable, then we can color the graph according to any satisfying assignment. So we can use the formula that we have applied in the previous slide also. That was A or B on C. Then second clause, which says A, B, C bar or D bar. And then the third clause, A bar or C or D. Then the fourth clause, that is A or B bar or D bar. So after that, we can use maximum click problem that can be applied to this. And after that, we can reach the final graph coloring that can be easily verified in this case. So this was a formula that we have applied. So we have approached here. We have used the proof of connectness is just the brute force. If the graph is three colorable, then we can extract a satisfying assignment from any three coloring. At least one of the three coloring nodes in every click should be as true. And conversely, the formula is satisfiable. Then we can color the graph according to the satisfying assignment. And then this is the formula consisting of four clauses, three literals in each of the clause. And we can use the maximum click in this case. And this will be the final resultant graph for this. Suppose this is true for this and this one is false. So yahan pe A ke liye kya hoega? True hai to A bar false ho jayega. B ke liye agar false hai to B bar ke liye true ho jayega. C ke liye agar true hai to us case mein C bar ke liye false ho jayega. Similarly D ke liye agar false hai to D bar ke liye true ho jayega. So from that we can further move on. So is way se hum three coloring graph use kar sakte ho. Theek hai? So these are the few problems related to the topic of NP-hard. So NP-hard problems, graph coloring, three vertex cover, SAT problem, three SAT problem. You have to do all these problems with their proof. Without proofs, it's useless to do any of the problem, and it will be useless. It will be worthless if you will be presenting these problems without their proof. So you are supposed to give proof of each and every statement in this case. So if you are having any doubt, then you can ask.